प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। खास बुलेटिन में बात तमाम राज्यों की बड़ी खबरों की होगी, लेकिन मेरा राज्य मेरा देश में सबसे पहले चार वो बड़ी खबरें आपको आज बता देते हैं जिनके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। मेरा राज्य मेरा देश की पहली बड़ी खबर क्या है वो आप जान लीजिए। पहली बड़ी खबर दरअसल उस प्रदेश से है जहां पर इस वक्त सियासत का केंद्र बन चुका है, महाराष्ट्र से। इस वक्त आपको पहली खबर बता देते हैं, हनुमान चालीसा बनाम शिव सैनिकों के गदर ने हर किसी को इस वक्त हैरान कर रखा है। जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते थे, वो इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि सांसद नवनीत राणा ने उन्हें हनुमान चालीसा पर चैलेंज आखिर कैसे कर दिया। इसी पर आपको दिखाएंगे हनुमान चालीसा बनाम शिव सैनिक, महाराष्ट्र में माफिया सरकार। मेरा राज्य मेरा देश की दूसरी खबर कौन सी है ये भी आप जानिए। योगी सरकार ने महज एक महीने यानी कि 30 दिन के अंदर ही बाहुबलियों और माफियाओं को मटियामेट कर दिया है। 30 दिन में योगी सरकार ने ऑपरेशन माफिया के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को या तो जब्त कर लिया है या फिर बुलडोजर से तबाह कर दिया है। इसी पर देखिए, 2000 करोड़ पर चला बुलडोजर, 30 दिन से ऑपरेशन माफिया। मेरा राज्य मेरा देश की तीसरी खबर भी आप जान लीजिए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से ये खबर जुड़ी हुई है। खबरों की अगर माने तो अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिम नेताओं की बगावत अब लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ आप देखिए आजम खान अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश की समाजवादी पार्टी का मिशन मुसलमान अब फेल हो चुका है। इसी पर आज आप देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट, मुस्लिमों की बगावत, अखिलेश का सरेंडर, समाजवादी पार्टी का मिशन मुसलमान फेल। आगे बढ़ते हुए मेरा राज्य मेरा देश की चौथी खबर क्या है ये भी आप जान लीजिए। ये चौथी खबर मध्य प्रदेश से है जहां पर मामा बुलडोजर को लेकर जबरदस्त खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक दंगाइयों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर की भारी डिमांड इस वक्त हो चुकी है। और इसी पर आज खास रिपोर्ट आप देखिए, मामा बुलडोजर की महा डिमांड, टूट गया 5 साल का रिकॉर्ड। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ इस वक्त जो सामने आ रही है। आपको बता दें तलोजा जेल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जेल के बाहर शिव सैनिक इस वक्त इकट्ठा नजर आ रहे हैं। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे से बाज इस वक्त शिव सैनिक नहीं नजर आ रहे हैं। मुंबई की तलोजा जेल के बाहर हंगामे की पूरी तैयारी यहां से शिव सैनिक कर चुके हैं। जेल के बाहर नारेबाजी इस वक्त शिव सैनिक कर रहे हैं। तलोजा जेल में रवि राणा को रखा जा सकता है, ये खबरें सामने आ रही हैं। राणा दंपति को आज जेल भेजना हालांकि मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। जैसे ही शिव सैनिकों को रवि राणा को तलोजा जेल लाए जाने की भनक लगी, वैसे ही वो जेल के बाहर नारेबाजी करने लगे। जबकि आप ये भी जानिए कि रवि राणा और नवनीत राणा अभी सांताक्रूज थाने में है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट अभी तक उनकी नहीं आई है और अब इस समय के बाद जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन शिव सैनिक इस वक्त भारी संख्या में जेल के बाहर नजर आ रहे हैं। उद्धव राज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर आज द्रोह, हनुमान चालीसा पढ़ा तो पुलिस आ जाएगी। राजनीतिक बदला कैसे लिया जाता है इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने पेश कर दिया है। हनुमान भक्त होना और हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर करने का ऐलान करना अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक पति रवि राणा को जेल पहुंचा दिया है। और जो हम लड़ रहे हैं आज, आपकी और पंत प्रधान जी को मैं विनती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। और नारायण राणे से आपको बोलूंगी, आज आपकी हम जैसे लोगों को लोक प्रतिनिधि लगा लीजिए, देखते हैं तुम्हारे में ऑफेंस लगाने की कितनी ताकत और हमें कितनी। नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि क्या मुंबई और महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ना संगीन जुर्म है जिसकी सजा राणा दंपत्ति भुगत रहे हैं। हनुमान चालीसा जैसे मैं लिमिटेड समझता हूँ मेरे क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे, कि लॉर्ड राम की तारीफ है उसके अंदर, और अगर लॉर्ड राम की तारीफ है तो तुम्हारे को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? हालांकि राणा दंपत्ति को जेल भेजा जाना भी पुलिस के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में राणा दंपत्ति के 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस इसको लेकर अपनी दलील ही पेश नहीं कर पाई। जो पार्टी कहती थी
कि हम राजद्रोह को हटाएंगे, राजद्रोह का दुरुपयोग किस पे करती है, एक सांसद नेत्री पे, एक विधायक पे। अब जरा सुन लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ने पर मुंबई पुलिस ने कौन कौन सी धाराएं लगाई है। आईपीसी की धारा 353 यानी सरकारी काम में दखल, आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि का केस, और राजद्रोह की धारा 124A लगाया गया है ताकि नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत ही न मिल सके। लेकिन कोर्ट में सरकारी वकील राजद्रोह की धारा पर पुख्ता जवाब ही नहीं दे पाए। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फुट खाली गाडले जा। सवाल यह कि आखिर हनुमान चालीसा से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब की पार्टी शिवसेना क्यों डरी हुई है, उद्धव सरकार के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं, क्यों शिवसेना अपने विरासत और राजनीतिक विचारधारा को सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी के सामने गिरवी रख दी है, क्या एक महिला से पूरी महाघाड़ी सरकार डर गई है, क्या एक महिला के ललकार से शिव सैनिकों का खून इतना गर्म हो गया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद पटाखे फोड़ कर जश्न मनाने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह की धारा लगाने वाली मुंबई पुलिस की कोर्ट में भद पिट चुकी है। अब राणा दंपत्ति के जमानत पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले नवनीत राणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।